हाय, दिस इज जस्ट एन अनाउंसमेंट फॉर यू, अ क्लेरिफिकेशन फ्रॉम माय साइड कि अब से रफ्तार बैच में इंग्लिश भी होगा विद योर जनरल नॉलेज के सारे सब्जेक्ट, क्योंकि आपने लिटरली हर जगह पूछ लिया था, हर जगह रिक्वेस्ट डाल दी थी कि इंग्लिश को भी इंक्लूड किया जाए इसमें, ऐसी भी जगह जहाँ पे मैंने रियली एक्सपेक्ट नहीं किया था। A few moments later, मैंने अपने पेट का इंस्टा अकाउंट बनाया, आपने उसमें भी मतलब टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया था कि इंग्लिश उसमें इंक्लूड किया जाए। एक्चुअली माय थॉट वाज, जिसे नहीं पता है रफ्तार बैच क्या है, सीडीएस 1 2024 को हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अक्टूबर से ही पढ़ना शुरू करेंगे जूम क्लासेस पे, जहाँ पे आप मुझे देख पाओ, मैं आपको देख पाऊ, एक सारे सब्जेक्ट्स को, नाउ इंग्लिश और जीके के सारे सब्जेक्ट्स को है ना बहुत ही ज्यादा अटेंशन देके क्रिएटिव तरीके से उसे याद रखे, उसे समझे और कॉन्सेप्ट्स को सिंपलीफाई करे, है ना। एंड देन फाइनली विल सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो रिगार्डिंग दैट, चाहे प्रीवियस ईयर हो चाहे मॉक टेस्ट हो, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए। तो दिस वॉज रफ्तार बैच ऑल अबाउट डिफेंस मेनिया ऐप पे। इनिशियली मैंने इसमें सिर्फ जीके रखा था, ये सोच के कि भाई एक कोर्स होगा जिसमें पूरा टारगेट हमारा जीके को अव्वल करना रहेगा, और दूसरा हम इंग्लिश का बनाएंगे जिसमें टोटली इंग्लिश को एनकैश करें, ताकि अलग अलग स्ट्रेंथ्स, अलग अलग वीकनेसेस के बच्चे हो, उन्हें ज्यादा फायदा हो। लेकिन आई वाज सीइंग कि यू आर रिक्वेस्टिंग कि इंग्लिश को साथ में रखा जाए विद जीके, तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ओके, आई हैव एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट, नाउ रफ्तार बैच इज विद जीके के सारे सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बायोलॉजी, chemistry, everything with English as well. This is clarification from my side and thank you so much कि आप इतना feedback देते हो, so that I can also improve. So now October से आपकी live class शुरू हो रही है, 10th of October से शुरू हो रही है, तो get ready.